हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में गुरु नानक जी का फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाने वाला हूँ। आप भी चाहते हो गुरु नानक जी का आउटलाइन को ड्रॉ करना, वो भी फ्री हैंड, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। इस वीडियो में कुछ ईजी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके बहुत ही आसानी से गुरु नानक जी का आउटलाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फ्री हैंड आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल जो HB का पेंसिल होता है उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देखने के बाद एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ नॉर्मल सा, क्योंकि इसको करने से बहुत ही हेल्प होती है एक आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। और गाइस, आउटलाइन को ड्रॉ करते वक्त जितना हो सके उतना लो प्रेशर के साथ आउटलाइन को ड्रॉ करना। एंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको धीरे धीरे करके डिटेल करेंगे। श्री गुरु नानक जी की पगड़ी बना रहा हूँ रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देख के। एंड आप लोगों को भी ऐसे ही रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देख के ऑब्जर्व करके धीरे धीरे लाइट प्रेशर के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री हैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे गलत होने का चांस रहता है। सो इसीलिए हम धीरे धीरे करेंगे एंड धीरे धीरे करके डिटेल को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैं श्री गुरु नानक जी की फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल ही लाइट प्रेशर के साथ, रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देख के। पहले की तरह हम एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे एंड धीरे धीरे करके हम डिटेल करेंगे। फेस के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो बेसिकली आईज़, नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करने के लिए किया है। सर, यही कुछ बेसिक सा टेक्निक्स है जो कि फ्री हैंड आउटलाइन को करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। एंड गाइस, देख सकते हो किस तरीके से मैं बेसिक पूरा एक फेस का स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है गुरु नानक जी का। एंड आईब्रोज से मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आईब्रो के बाद जो नोज़ है गुरु नानक जी की वो मैंने यहाँ पे आउटलाइन को बनाना स्टार्ट कर दिया है रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करके। सो आप लोगों को भी ऐसे रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देख के ऑब्ज़र्व करने के बाद धीरे धीरे करके आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे मैं गुरु नानक जी की आईज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड रेफरेंस से मैं बार बार मैच करा रहा हूँ एंड एक एक लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हो मैं आईबॉल वगैरह जो है जितने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आसपास के जितने भी एरियाज़ है मैं उनको मैच करा रहा हूँ। बार बार आप लोगों को रेफरेंस फ़ोटो को मैच कराना है एंड एक एक लाइंस को चलाना है बिल्कुल ईजी वे में एंड बहुत ही हल्के हाथों से लो प्रेशर के साथ बिल्कुल ही धीरे धीरे करके आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेना है। एंड गाइस, देख सकते हो गुरु नानक जी की जो सेकंड आईज है मैं सेकंड आईज को बना रहा हूँ बिल्कुल ही लो प्रेशर के साथ एकदम हल्के हाथों से। और देख सकते हो यहाँ पे मैं बार बार रेफरेंस फ़ोटो से मैच कर रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे कितना ज़्यादा आउटलाइन को ड्रॉ करना होगा और बिल्कुल ही लो प्रेशर के साथ एक एक लाइंस को ड्रॉ करना है और हल्के हाथों का यूज़ करके आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। देख सकते हो श्री गुरु नानक जी की जो फेस है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड धीरे धीरे करके डिटेल को ऐड करेंगे बिल्कुल ही रेफरेंस फ़ोटो को देख के। और आईज़ के नीचे जितने भी छोटे छोटे जो डिटेलिंग्स हैं उन डिटेलिंग्स को बिल्कुल ही लो प्रेशर के साथ करेंगे। नोज़ के साइड पर जितने भी छोटे छोटे डिटेल्स हैं बिल्कुल ही आप लोगों को ऐसे लो प्रेशर के साथ रेफरेंस फ़ोटो को अच्छी तरीके से देख के रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करके आपको डिटेलिंग करना है। एंड गाइस, गुरु नानक जी की जो बियर्ड है वो यहाँ पे हमने बना लिया है सिंपली हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाते हुए। हैंड का जो पार्ट है देख सकते हो रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड एक एक लाइंस को चलाना है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था। सो उससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। बस रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड धीरे धीरे करके एक एक लाइंस को चलाना है। एंड गाइस, देख सकते हो यहाँ पे गुरु नानक जी का जो आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। एंड बाकी के भी जितने भी डिटेलिंग्स हैं वो यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जॉर्व करते हुए बिल्कुल लो प्रेशर के साथ धीरे धीरे। एंड क्लॉथ्स वगैरह में थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग्स बाकी है तो वो भी हम रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जॉर्व करते हुए बिल्कुल लो प्रेशर के साथ धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।
जहाँ पे गुरु नानक जी का जो फ्री हैंड आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को फ्री हैंड आउटलाइन को ड्रॉ करना है। जो टेक्निक्स थे, जो टिप्स थे, मैंने आप लोगों को बता दिया है एंड बाकी सब आपके ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो बूस्ट होते जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो स्किल्स है वो डेवलप होता जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे कोई नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के आर्टवर्क में लाता रहता हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।